क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है -3, 2, 1, 1, -4 और 7 एंड बी इज इक्वल टू, मैट्रिक्स बी जो है आपका वो दे रखा है 3, 5, -2, -1, 4 और -2। हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है, ठीक है ना, और क्या फाइंड करना है आपको, ए माइनस बी फाइंड करना है। बात क्लियर हो रही है कि हमें क्या क्या फाइंड करना है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है और दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ए प्लस बी निकाल रहे हैं। तो देखो मैट्रिक्स का एडिशन कब कैसे करते थे हम लोग, सबसे पहली बात थी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2×3 है, इसका ऑर्डर भी कितना है, 2×3 है, ठीक है, बात क्लियर है। एडिशन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन थी जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी वो ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। अब किस तरीके से ऐड करते थे, जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट थे वापस में ऐड हो जाते थे। तो देखो इधर माइनस का 3+3 कितना हो गया, के पास 0 हो गया, 2 और 5 कितना हो गया, 7, 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1, 1 माइनस और -+1 सॉरी हमें प्लस करना था, -3+3 0 हो गया, 2 और 5 7, 1 माइनस 2 -1 है ना, और +-1 कितना हो गया, के पास 0 हो गया, -4 और +4 ये भी कितना हो गया, 0 हो गया, 7 प्लस -2 ये कितना हो गया, 5 हो गया। बात क्लियर है, तो देखो आपके पास कितना आ गया, 0, 7, -1, 0, 0, 5। अब मुझे क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है। तो देखो जब मैं a माइनस बी करूंगा, अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, -3, -3, 2, -5, 1, -2, 1, -+1, -4 और -4, 7, -+2 ठीक है। बात क्लियर है, कितना हो गया पास, -6, -3 ये आपका 3, ये आपका 2, -8 और ये कितना हो गया के पास, 9 हो गया। बात क्लियर है, चले अब देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या बोल रहा है आपसे, इफ ए प्लस बी आपको है ना दो मैट्रिक्स का सम ये दे रखा है और दोनों मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन ये आपको दे रखा है और हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को फाइंड करना है। देखो इधर हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, ए प्लस बी ये कितना दे रखा है आपका, -7, 0, 2 और -5 और ए माइनस बी ये कितना दे रखा है आपके पास, 3, -2, 0 और 3 दे रखा है। देखो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, बी से बी कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये, 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो। अब इनको कैसे ऐड करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो है हमने ऐड तो कराया, इनको क्या कराया आपने, इनको ऐड कराया, तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, -7 और +3 कितना हो गया के पास, -4 हो गया, 0, -2, -2, 2 - 0 कितना हो गया, 2, -5 और +3 -2 हो गया। बात क्लियर है, अब देखो मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो 2 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में तो कहां चल जाएगा, डिवाइड के अंदर, कितना आ जाएगा यहां पर, 1/2 आ जाएगा। बात क्लियर है, तो देखो कितना है, -4, -2, 2 और -2। अब आपने पढ़ा था जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हर एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ए कितना आ जाएगा आपके पास, 2 से जब इसमें डिवाइड लगाओगे तो -2, -1, 1 और -1 ये क्या आ गया आपका, ए आ गया। अब देखो मैट्रिक्स ए आ चुका है आपके पास, ठीक है ना, अब आप इसको क्या करो, किसी भी इक्वेशन में रख दो और बी की वैल्यू फाइंड कर लो। देखो हम इसको फर्स्ट में रख लेते हैं, ए की जगह क्या रख दिया आपने, -2, -1, 1 और -1। बी आपका एज इट इज इक्वल टू कितने हैं आपके पास, -7, 0, 2, -5। अब मुझे b की वैल्यू चाहिए तो इसको उठा के चले जाता हूं, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पास, -7, 0, 2, -5, -2, -1, 1 और -1 करो आपस में माइनस। देखो यार -7, -2 कितना हो गया, -5,
जीरो माइनस और माइनस प्लस वन, ठीक है, टू माइनस वन कितना आ गया पास, वन आ गया, माइनस का फाइव और प्लस वन कितना आ गया पास, माइनस का फोर आ गया, बात क्लियर है आपके पास, तो कितना आ गया पास, माइनस का फाइव, वन वन और माइनस फोर, ये क्या आ गया आपका मैट्रिक्स बी आ गया, और मैट्रिक्स ए कितना आपके पास, माइनस का टू, माइनस वन, वन और माइनस वन। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, देखो इधर क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दे रखा है आपको, कि एक मैट्रिक्स रखा है ए, एक मैट्रिक्स रखा है बी, ठीक है ना, और हमें क्या करना है यहां पर, मैट्रिक्स सी क्या करना है आपको, फाइंड करना है। देखो इधर सबसे पहली कंडीशन हमें क्या दे रखी है, ए प्लस टू बी प्लस सी, ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, यहां पर जीरो क्या है, खुद एक जीरो मैट्रिक्स है, तो देखो मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, तो आप जीरो मैट्रिक्स आपका इस ए को उठा के इधर लेके आ गया, कितना हो गया माइनस का ए, इस टू बी को उठा के लेके आ गया इधर, कितना हो गया माइनस का टू बी, तो देखो सी आपका इज इट जीरो, ठीक है ना, ये जीरो क्या है आपका, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये आपका सिंपल जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, देखो इधर आप चाहो तो इसको लिख लो जीरो मैट्रिक्स को, है ना, सेम ऑर्डर का लिखना पड़ेगा आपको, जीरो 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 और जीरो माइनस ए, ए कितना है आपके पास, वन थ्री टू वन थ्री और माइनस वन, ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज, बी को मैं क्या कर रहा हूं, टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, टू टू जा फोर, टू टू फोर माइनस टू और जीरो, बात क्लियर है, चले आगे। अब देखो इधर सी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखो इससे तो कोई मतलब ही नहीं आपको, ठीक है ना, ये जो माइनस है वो इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस का वन और माइनस का फोर, कितना हो गया माइनस का फाइव, ये माइनस का थ्री और माइनस का टू, माइनस का फाइव, माइनस का टू और माइनस का टू, कितना हो गया माइनस का फोर, माइनस का वन और माइनस का फोर, माइनस का फाइव, माइनस का थ्री, है ना, और प्लस का टू, कितना हो गया आपके पास, माइनस का वन बच गया, प्लस का वन माइनस जीरो कितना आ गया पास, वन, तो मैट्रिक्स सी कितना आ गया आपके पास, ठीक है, अगर आपको इस तरह से दिक्कत आ रही हो तो आप डायरेक्ट भी लिख लो, जैसे माइनस वन माइनस फोर आप इस तरह लिख लो, बाद में उसको सॉल्व करके लिख लो, ठीक है, बात क्लियर है, चलें फिर आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है आपसे, आपको ए मैट्रिक्स रखा है, आपको बी मैट्रिक्स रखा है, और मुझे क्या फाइंड करना है, थ्री ए स्क्वायर माइनस टू बी, इसकी वैल्यू मुझे क्या करना है, फाइंड करनी है। देखो इधर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा मेरे को, ए स्क्वायर, तो देखो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ, ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए को मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा, स्क्वायर का मतलब ऐसा नहीं कि सब आप इन सारे एलिमेंट के स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का मतलब क्या है, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, करो मल्टीप्लाई, देखो टू माइनस वन थ्री टू, मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करना है, टू माइनस वन थ्री और टू, बात क्लियर है, करो देखो कैसे मल्टीप्लाई करते थे हम, रो को क्या करते थे, कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, याद है आपको, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू जा फोर माइनस का थ्री, बात क्लियर है, माइनस का टू और माइनस का टू, थ्री टू जा सिक्स प्लस थ्री टू जा सिक्स माइनस का थ्री और प्लस का फोर, बात क्लियर है, चले आगे, तो देखो ये कितना आ गया आपके पास, फोर में से थ्री किया वन, माइनस का फोर ट्वेल्व और ये कितना आ गया पास, वन, ठीक है, अब देखो हमें क्या फाइंड करना था, यहां पर थ्री ए स्क्वायर माइनस टू बी फाइंड करना था, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, देखो इधर आप चाहो तो थ्री आपका इज इट इज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है, वन माइनस का फोर ट्वेल्व और वन, माइनस का टू एज इट इज बी, बी कितना है आपका जीरो फोर माइनस वन और सेवन, ठीक है, अब क्या था, जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था, उसका हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता था इससे, तो देखो कितना हो जाएगा आपके पास, थ्री माइनस का ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स, ये आपका थ्री, माइनस का साइन इज इट इज, टू से मल्टीप्लाई करो, जीरो एट माइनस टू सेवन टू जा फोर्टीन, बात क्लियर है, अब इनको आपस में माइनस करना है, ठीक है, देखो अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको लिख के दिखाया था एक बार,
क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0, माइनस का 12, माइनस का 8, 36 माइनस माइनस प्लस 12, ठीक है ना, 3 माइनस 14, बात क्लियर है। अब सॉल्व कर लो, देखो कितना आ गया आगे पास, 3 में से 0 गया 3, माइनस का 20, ये कितना हो गया 38, माइनस का 11, ठीक है। तो आपके पास 3 ए स्क्वायर माइनस 2 बी, ये कितना आ गया आपका 3 माइनस 20, 38 और माइनस 11 आ गया, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व करते हैं, इसका कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। देखो यार, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें क्या दे रखा है, बोलो, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर देखें अगर हम लोग, तो देखो हमें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, ठीक है ना, और मैट्रिक्स बी दे रखा है। देखो मैट्रिक्स ए, ये आपके पास मैट्रिक्स बी आपको दे रखा है ना, और हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ए बी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम इसका, ए बी। देखो ए कितना है आपके पास, 0 1 2 3, 3 2 1 और 0, ठीक है ना, और बी कितना दे रखा है आपको, 0 3 1 2 2 1 3 0, ठीक है। सबसे पहले इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर कितना है बोलो, 2 क्रॉस 4 है, इसका ऑर्डर कितना है, 4 क्रॉस 2 है। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है ना, और नया ऑर्डर कितना आएगा पास, 2 क्रॉस 2 आएगा। तो देखो ए बी इज इक्वल टू, करो देखो कैसे करते थे हम, रो को क्या करते थे, कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होता था, फिर प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा एलिमेंट तीसरे से, और चौथा एलिमेंट चौथे से, ठीक है। बोलो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा, 0 1 प्लस 4 प्लस 3 3 सा 9, ऐसे देखो आप सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0। अब देखो ऐसे ही सेकेंड रो को है ना हर कॉलम से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बोलो, 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0, 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 प्लस 0, बात क्लियर है। तो देखो ये आपके पास क्या आ गया आपके पास बोलो, 14 4 4 और ये भी 14, बात क्लियर है। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, बी ए निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, बी ए। देखो बी कितना है आपके पास, 0 3 1 2 2 1 3 0, ये आपका बी दे रखा है, और ए कितना है आपके पास बोलो, 0 1 2 3 3 2 1 0, ठीक है। सबसे पहले देखो इसका ऑर्डर कितना है, 4 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 4 है। तो देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है, ठीक है ना, बात क्लियर है। करो देखो मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, करो कितना हो गया, 0 3 3 जा 9, ऐसे देखो कितना हो गया के पास, 0 प्लस 3 2 जा 6, 0 प्लस 3 1 जा 3, 0 प्लस 0, बात क्लियर है। अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो हर कॉलम से, 0 3 2 जा 6, 1 प्लस 2 2 जा 4, 2 प्लस 2, 3 प्लस 0, करो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 3 1 जा 3, 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 1, 2 3 जा 6 प्लस 0, बात क्लियर है। अब फोर्थ रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 0 प्लस 0, 3 प्लस 0, 3 2 जा 6 प्लस 1, सॉरी प्लस 0, 3 3 जा 9 प्लस 0, बात क्लियर है। देखो मैट्रिक्स क्या तैयार हो गया आपका, मैं यहां लिख देता हूं, कितना आ गया, 9 6 3 0 6 5 4 3 3 4
फाइव सिक्स, जीरो थ्री सिक्स और नाइन। बात क्लियर है? चले फिर आगे, अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखो क्या बोल रहा है आपसे, आपको एफ एक्स दे रखा है, ठीक है ना, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन। और हमें क्या प्रूफ करना है, एफ ए इंटू एफ बी, ये किसके इक्वल होता है, एफ ए प्लस बी के इक्वल लाना है। देखो सबसे पहले देखो हमें वही एल एच एस को सोल्व करके आर एच एस के इक्वल लाना है, ठीक है, यही बात है ना इसका मतलब। देखो इधर सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एफ ए। देखो एफ ए कैसे बनेगा, देखो इधर ये क्या है आपका एफ एक्स है, अगर मैं एक्स की जगह पर ए रख दूं तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब ऐसे अगर मुझे एफ बी चाहिए तो मैं अगर एक्स की जगह बी रख दूंगा तो क्या बन जाएगा, एफ बी बन जाएगा। और अगर मुझे एफ ए प्लस बी चाहिए, ठीक है ना, बात क्लियर है, तो मेरे को क्या रखना चाहिए, एक्स की जगह पर क्या रख देना चाहिए, ए प्लस बी रख देना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? तो देखो सबसे पहले हम एफ ए निकाल लेते हैं, एफ बी निकाल लेते हैं और एफ ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो देखो हमने सबसे पहले एफ ए निकाला तो हमें क्या करा, एक्स की जगह क्या रख दिया, ए रख दिया। ये कितना हो गया, कॉस ए माइनस का साइन ए जीरो, साइन ए कॉस ए जीरो, जीरो जीरो वन। ये क्या आ गया आपका, एफ ए आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही एफ बी निकाल लेता हूं मैं, एफ बी कितना हो जाएगा बोलो, एक्स की जगह बी रख दो, कितना हो जाएगा, कॉस बी माइनस का साइन बी जीरो, साइन बी कॉस बी जीरो, जीरो जीरो वन। बात क्लियर है? ऐसे ही मुझे अब क्या चाहिए, एफ ए प्लस बी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह पर कितना रख दूंगा बोलो, ए प्लस बी रख दूंगा। बात क्लियर है? देखो कितना हो जाएगा के पास, कॉस ए प्लस बी माइनस का साइन एजिज साइन ए प्लस बी जीरो, यहाँ कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी जीरो, जीरो जीरो और वन। बात क्लियर है? तो आपका क्या क्या आ गया, एफ ए आ गया, एफ बी आ गया और एफ ए प्लस बी आ गया। अब मुझे क्या करना है, एफ ए इंटू एफ बी, ठीक है, मतलब इसका एल एच एस सोल्व करके आर एच एस लाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास एफ ए प्लस बी मेरे पास ये रहा, ठीक है। अब देखो इधर हम क्या कर रहे हैं, एफ ए इंटू एफ बी कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या सोल्व कर रहे हैं इसका, एल एच एस। देखो क्या कर रहे हैं हम, एफ ए इंटू एफ बी करना चाहते हैं। तो देखो एफ ए ये कितना है आपके पास बोलो, कॉस ए माइनस का साइन ए जीरो, ठीक है, बात क्लियर है, साइन ए कॉस ए जीरो, जीरो जीरो और वन। ऐसे देखो एफ बी ये कितना है आपके पास, कॉस बी माइनस का साइन बी जीरो, साइन बी कॉस बी जीरो, जीरो जीरो और वन, ठीक है। अब मेरे को इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते थे हम, रो को क्या करते थे, कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे। करो देखो, पहला एलिमेंट पहले से, फिर प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, फिर प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे से, क्या हो जाएगा बोलो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस जीरो। बात क्लियर? पहली रो से कंप्लीट हो गया, करो मल्टीप्लाई, माइनस का कॉस ए साइन बी, ठीक है, माइनस का साइन ए कॉस बी प्लस जीरो, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। देखो इधर ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करो पहली रो से, ठीक है ना, रो को क्या करना है वही कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देखो कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस जीरो, करो इससे मल्टीप्लाई, माइनस का साइन ए साइन बी प्लस
कॉस ए कॉस बी प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, बात क्लियर है, करो मल्टीप्लाई, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस वन, बात क्लियर है। अब देखो यार, अगर हम इसको देखें तो कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला ही है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला ही है, कॉस ए प्लस बी का। देखो इधर, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो हमने माइनस का साइन तो क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। जैसे आपने माइनस का साइन कॉमन निकाला तो ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला ही है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का, जीरो आपका एज इट इज। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये भी किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। यहां देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका जीरो 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 और ये कितना है के पास, वन, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। देखो इधर अगर हम देखें तो क्या LHS और RHS जो है वो आपस में इक्वल आ गए क्या आपके, देखो अच्छी तरीके से, क्या था आपके पास, एफ ए प्लस बी, क्या था आपके पास, कॉस ए प्लस बी माइनस का साइन ए प्लस बी, ठीक है, बात क्लियर हो रही है, दिख रहा है आपको अच्छी तरीके से, ठीक है ना, जीरो साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी जीरो 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 वन, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया आपके पास, किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, ठीक है। तो आपने क्या करा, LHS से क्या लिया है, RHS, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया।